वेलकम टू गुल्लीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक और यमी सी चटनी। ये कुछ हमने हरे धनिए के पत्ते लिए हैं और ये फ्रेश मेरे गमले में लगा हुआ जो पुदीना है, देखिए कितना साफ है। इसके भी हम पत्ते निकाल लेंगे। काला नमक 1/4 टीस्पून लेंगे, सफ़ेद नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे 1/4 टीस्पून। हमने चीनी ली है, आधा चम्मच हम जीरा लेंगे और आधा मैंने कच्चा आम उसको ले लिया है, थोड़ा सा पीला हो गया है, जिसको मैं चटनी में यूज़ कर रही हूँ। 3 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, आधा इंच अदरक लिया है, 2 हरी मिर्च है, 1 प्याज को काट लिया है और पानी हम ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये यमी सी चटनी। और ये देखिए, सबसे नीचे हमने धनिया, प्याज, हरी मिर्च, जीरा जो भी हमने रखा था वो डाल दिया है। पुदीने के पत्ते अलग करके हमने अच्छे से धो लिए हैं। अब हम इनको भी, एक मुट्ठी पुदीने के पत्ते हैं और पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस 1 टेबल स्पून पानी, और इसको ग्राइंड करके देखते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी ये टेस्टी चटनी बनकर तैयार है। थोड़ा सा नमक कम था, हमने डाल लिया उसमें। मैंने इसको और ज़्यादा पतला नहीं किया है, मुझे ऐसे कोर्सली ग्राउंडेड जो है वो अच्छी लगती है। तो आप चाहें तो और इसको महीन पेस्ट बना सकते हैं। बहुत यमी ये चटनी है। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। इस तरह से ये चटनी बनाकर जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी चटनी कैसी बनी। बहुत ही कम समय में ये चटनी बन जाती है। एक मुट्ठी भर आपने पुदीना लेना है, टाइट मुट्ठी उसके पत्ते, और धनिया मैंने डंडियों के साथ लिया है। तो एक मुट्ठी धनिया या थोड़ा सा उससे कम, आप बनाकर देखिए ये चटनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।